नागपुर में पहली बार डॉक्टर सचिन देवहारे हृदय रोग का एक नया सटीक निदान लेकर आए हैं, जिसका नाम कार्डियोग्राफी है। कार्डियोग्राफी यह हार्ट अटैक, बाईपास, हृदय रोग और एंजियोप्लास्टी से बचने का काफी फायदेमंद है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके, इसके लिए कार्डियोग्राफी कैंप का आयोजन अजनी स्थित मुग्धा ईईसीपी हार्ट केयर सेंटर में किया गया था, जिसका लाभ कई लोगों ने लिया है, ऐसी जानकारी डॉक्टर सचिन देवहारे द्वारा दी गई है। 3D वैस्कुलरोग्राफी या कार्डियोग्राफी एक नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव मींस हार्ट को कोई भी इंजेक्शन न देते हुए, शरीर को कोई भी भूल न देते हुए और बिना एडमिशन के ओपीडी बेसिस में 15 से 20 मिनट में आप उसकी हार्ट की जांच कर सकते हैं। हार्ट के जो भी नलिका है, जो ब्लॉकेजेस है या जो हार्ट की तकलीफ है उसका अगर जानना है तो ये जांच कर सकते हैं। उसके अंदर 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स 3D वैस्कुलोग्राफी मींस 3D डायमेंशनल इसके अंदर रिपोर्ट्स आ जाते हैं। लगभग 10 से 13 पेजेस के रिपोर्ट्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके अलावा रिनल पैरामीटर्स भी हम लोग उसके जांच कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी आदमी या पेशेंट या एज अ प्रिवेंशन के लिए कोई आम आदमी जिसकी उम्र 30 के ऊपर है, जिसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की परंपरागत उसकी बीमारी है, मींस फैमिली हिस्ट्री है और वो अपना हार्ट की जांच करना चाहता है, तो वो हंसते खेलते ये जांच कर सकते हैं। उसके लिए कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। और ये 3D वैस्कुलोग्राफी मींस कार्डियोग्राफी जो हार्ट के नलिकाएँ संबंधी हम लोग उसको जाँच कर सकते हैं और इसके लिए 20-25 मिनट काफ़ी है टेस्टिंग के लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन देवहारे, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर सेंटर। आज हमने हमारे मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर सेंटर अजनी स्क्वायर में कार्डियोग्राफी का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो जिसके लिए हमने मुंबई से डॉक्टर नीलम पिंगड़े उनकी टीम को बुलाया है। एक्चुअली कार्डियोग्राफी या 3D वैस्कुलोग्राफी इसके बारे में शायद ही नागपुर वाले लोगों को कुछ पता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे नागपुर में फिलहाल तो भी अवेलेबल नहीं है। जो हम जैसे कोई कार्डियक पेशेंट को अगर किसी को हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी को एडवाइस करते हैं तो जनरली एंजियोग्राफी या सिटी एंजियो बोलते हैं, लेकिन एंजियोग्राफी या सिटी एंजियो पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जो कि एग्जांपल हम एंजियोग्राफी या सिटी एंजियो में जो बड़ी वेसल्स होती है उसके ब्लॉकेजेस हमको जहाँ तक के दिख जाते हैं, लेकिन उसके जो डिस्टल्स वेसल होते हैं, जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, जो कैपिलरी वेसल्स होती हैं, वो हमको एंजियोग्राफी या सिटी एंजियो में हमको नहीं दिख पाते। तो ऐसे कुछ जो डिस्टल वेसल्स पे जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको अगर हमको देखना है तो कार्डियोग्राफी या 3D वैस्कुलोग्राफी ये टेस्ट एडवाइस की जाती है, जो हमने यहाँ आज हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू से एक कैंप ऑर्गेनाइज करके हमने आज सेवा देने की कोशिश की है। इसमें हम कुछ जो हमारे ईसीपी आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी से जो ट्रीटमेंट लिए हुए पेशेंट्स है उनके लिए भी खास आज हमने कुछ डिस्काउंट रेट में उनका इन्वेस्टिगेशन बेस कैंप रखा है। और इसके अलावा भी एक किसी को अगर प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी तौर पे अगर किसी को अपना कार्डियोग्राफी हार्ट का हालचाल देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एंजियोग्राफी या कोई पेशेंट को जैसे कोई चेस्ट पेन चलते रहता है या थकावट महसूस होती है चलने फिरने में, दम सांस लगती है, तो ऐसे पेशेंट में इनिशियली ब्लॉकेजेस आना तो स्टार्ट हो जाता है, बट वो हमारे ECG या TMT में या कभी कभी इको में वो ध्यान में नहीं आता उसके चेंजेस। तो ऐसे वक्त हम या कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट में इवन एंजियोग्राफी में भी ध्यान में नहीं आता, तो ऐसे कुछ पेशेंट को जिनको कंटिन्यू चेस्ट पेन या कुछ थकावट या कुछ भी सिम्टम्स जो अपने को लगता है कार्डियक रिलेटेड हो लेकिन जो पकड़ में नहीं आ रही है, उनके लिए ये अगर कार्डियोग्राफी या 3D वैस्कुलोग्राफी हम करते हैं तो उनका वो इनिशियल लेवल का हमको डायग्नोस प्रॉपर हो जाएगा।